अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम मुसव्विते पढ़ना और लिखना सीखेंगे। उर्दू के वो हुरूफ तहज्जी जो दूसरे हुरूफ के साथ मिलकर नए अल्फाज बनाने में मदद करते हैं, उन्हें मुसव्विते कहा जाता है। मुसव्विते को इंग्लिश में वॉवल्स कहते हैं। उर्दू में मुसव्वितों की तादाद 4 है। आइए देखते हैं मुसव्विते कौन से हैं और उन्हें किस तरह लिखा और पढ़ा जाता है। पहला मुसव्विता है अलिफ। अलिफ लाइन पर खड़ा रहता है। दूसरा मुसव्विता है वाव। वाव लाइन पर बैठ जाता है। तीसरा मुसव्विता है छोटीये। छोटीये लाइन पर तैरती रहती है। और चौथे मुसव्विते को कहते हैं बड़ीये। बड़ीये लाइन पर लेट जाती है। आइए अब इन मुसव्वितों की आवाज़ें देखते हैं। अलिफ की आवाज़ होती है आ। वाव की आवाज़ होती है ओ। छोटी ये की आवाज़ होती है ई। बड़ी ये की आवाज़ होती है ए। अब हम दूसरे हुरफ पे तहज्जी के साथ इन मुसव्वितों को मिलाकर लिखना और पढ़ना। पहला हुरफ है बे। बे की आदि शक्ल को अलिफ से मिलाएंगे तो ये पढ़ा जाएगा बा। बे की आदि शक्ल को वाव से मिलाएंगे और इसे पढ़ेंगे बो। बे की आदि शक्ल को छोटी ये से मिलाएंगे और इसे पढ़ेंगे बी। बे की आधी शक्ल को बड़ी ये से मिलाएंगे और इसे पढ़ेंगे बे। दूसरा हुरूफ तहज्जी है जीन। जीन की आधी शक्ल को अलिफ से मिलाएंगे और ये पढ़ा जाएगा जा। जीम की आधी शक्ल को वाव से मिलाएंगे और ये पढ़ा जाएगा जो। जीम की आधी शक्ल को छोटी ये से मिलाएंगे, इसे पढ़ेंगे जे। जी। जीम की आधी शक्ल को बड़ी ये से मिलाएंगे और इसे पढ़ेंगे जे। अगला हुरफ है सीन। सीन की आधी शक्ल को अलिफ से मिलाएंगे और ये पढ़ेंगे सा। सीन की आधी शक्ल को वाव से मिलाएंगे और पढ़ेंगे सो। सीन की आधी शक्ल को छोटी ये से मिलाएंगे सी। सीन की आधी शक्ल को बड़ी ये से मिलाएंगे और ये पढ़ेंगे से। अगला हुरफ है स्वाद। स्वाद की आधी शक्ल को अलिफ से मिलाएंगे, पढ़ा जाएगा सा। स्वाद की आधी शक्ल को वाव से मिलाएंगे और इसे पढ़ेंगे सो। स्वाद की आधी शक्ल को छोटी ये से मिलाएंगे और पढ़ेंगे सी। स्वाद की आधी शक्ल को बड़ी ये से मिलाएंगे और इसे पढ़ेंगे से। अगला हुरफ है तोई। तोई पूरा ही लिखा जाएगा, इसकी आधी शक्ल नहीं होती, तो हम तोई लिख के उसे अलिफ के साथ मिलाएंगे और इसे पढ़ेंगे तो।
तोई को लिखकर वाव से मिलाएंगे और ये पढ़ा जाएगा तो। तोई को छोटी ये से मिलाएंगे और इसे पढ़ेंगे ती। तोई को बड़ी ये से मिलाएंगे और इसे पढ़ेंगे ते। अगला हुर्फ है आइन। आइन की आदि शक्ल को अलिफ से मिलाएंगे और ये पढ़ा जाएगा आ। आइन की आदि शक्ल को वाव से मिलाएंगे और पढ़ेंगे ओ। आइन की आदि शक्ल को छोटी ये से मिलाएंगे और पढ़ेंगे ई। आइन की आदि शक्ल को बड़ी ये से मिलाएंगे और पढ़ेंगे ए। अगला हुर्फ है फे। फे की आदि शक्ल को अलिफ से मिलाएंगे और ये पढ़ा जाएगा फा। फे की आदि शक्ल को मिलाएंगे वाव से और पढ़ेंगे फौ। फे की आदि शक्ल को छोटी ये से मिलाएंगे और ये पढ़ा जाएगा फी। फे की आदि शक्ल को बड़ी ये से मिलाएंगे और ये पढ़ा जाएगा फे। अगला हुर्फ है काफ। काफ की आदि शक्ल को जब अलिफ से मिलाएंगे तो वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाएगी इस तरह और ये पढ़ी जाएगी का। काफ की आदि शक्ल को वाव से मिलाएंगे और इसे पढ़ेंगे को। काफ की आदि शक्ल को छोटी ये से मिलाएंगे और इसे पढ़ेंगे की। काफ की आदि शक्ल को बड़ी ये से मिलाएंगे और इसे पढ़ेंगे के। अगला हुर्फ है लाम। लाम की आदि शक्ल के साथ हम अलिफ को खड़ा करेंगे और ये पढ़ा जाएगा ला। लाम की आदि शक्ल को वाव से मिलाएंगे, इसे पढ़ेंगे लो। लाम की आदि शक्ल को छोटी ये से मिलाएंगे और पढ़ेंगे ली। लाम की आदि शक्ल को बड़ी ये से मिलाएंगे और पढ़ेंगे ले। अगला हुर्फ है मीम। मीम की आदि शक्ल को अलिफ से मिलाएंगे और इसे पढ़ेंगे मा। मीम की आदि शक्ल को वाव से मिलाएंगे और पढ़ेंगे मो। मीम की आदि शक्ल को छोटी ये से मिलाएंगे और पढ़ेंगे मी। मीम की आदि शक्ल को बड़ी ये से मिलाएंगे और पढ़ेंगे मैं। अगला हुर्फ है नून। नून की आदि शक्ल को अलिफ से मिलाएंगे और ये पढ़ा जाएगा ना। नून की आदि शक्ल को वाव से मिलाएंगे और पढ़ेंगे नौ। नून की आदि शक्ल को छोटी ये से मिलाएंगे और ये पढ़ा जाएगा नी। नून की आदि शक्ल को बड़ी ये से मिलाएंगे और इसे पढ़ा जाएगा ने। अगला हुर्फ है हा। हा की आदि शक्ल कुछ इस तरह होती है, उसे अलिफ से मिलाएंगे और ये पढ़ा जाएगा हा। हा की आदि शक्ल को वाव से मिलाएंगे और ये पढ़ा जाएगा हो। हा की आदि शक्ल को छोटी या से मिलाएंगे और ये पढ़ा जाएगा ही। हा की आदि शक्ल को बड़ी ये से मिलाएंगे और इसे पढ़ेंगे हे। शुक्रिया।